कराची पावर हाउस सौरंगी है और यहाँ पर जो है लाइन टूट गई थी, गटर बनाए गए थे और जिसकी वजह से ये मशीन यहीं पे छोड़ दी गई है। और उसके बाद जो है जमात इस्लामी की जानिब से ये काम कराया गया था और उन्होंने काम बहुत अच्छा करवाया, लेकिन जो है यहाँ पे गटर बनने के बाद ये मशीन यहाँ छोड़ दी है। और इस पर जो है दो मुख्तलिफ जमातों के रुकन ने जो है इस पर वीडियोज़ वगैरह भी बनाई है। लेकिन जो ये ट्रैफिक जाम हो रहा है, इस पर आवाम के लिए क्या सहूलत पेश की गई है अभी तक इसका कुछ अता पता नहीं है। और इस पर किसी किस्म की पेशरफ नज़र नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पर ना कोई सर्जेंट नज़र आ रहा है। चौरंगी से घूम के आने वाला ट्रैफिक भी आ रहा है और सरजानी से आने वाला ट्रैफिक भी आ रहा है, जिसकी वजह से आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। और ये आपकी नज़र में आपको बताता चलूँ कि इलाका मकीन न्यू कराची और नॉर्थ कराची सेक्टर 564 के और 5L के दरमियान में जो है पावर हाउस चौरंगी वाटर बोर्ड का ये दफ्तर है। और इसके साथ ही जो है ये मतलब यहाँ पे ना कोई सर्जेंट मौजूद है, ना यहाँ पे कोई इंतज़ामिया का रुकन मौजूद है, ना KMC की तरफ से कोई बंदा मौजूद है कि वो ट्रैफिक को देखकर चलाए यहाँ पर। लेकिन इस तरह की कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई और ना ही जो है यहाँ पर कुछ किया जा रहा है। और ट्रैफिक बुरी तरीके से मुतासर हो रहा है, आपके सामने एक रेड लाइन बस भी आ रही है और किस तरीके से आ रही है आपको खुद अंदाज़ा हो गया होगा। चौरंगी से घूम कर आ रहे हैं ये और ना कि चौरंगी का ट्रैफिक कंट्रोल हो रहा है ना इस तरफ का। तो बताने का मकसद ये है कि ये मशीन छोड़ दी गई है, गड़ा खोद के गड्ढा बना के, यानी कि इस मशीन को हटा दिया जाता है और यहाँ से मलबा हटा के फिर वो कार्रवाई अलग की जाती है। तो ये यहाँ पर काम हुआ था, ये काम जमात इस्लामी की जानिब से हुआ था और इस बारे में जो है तफसीली वीडियोस बनाई गई थी। लेकिन जो है ये जो ट्रैफिक जाम हो रहा है, इसके लिए कोई इंतज़ामिया, कोई सर्जेंट मौजूद नहीं है कि ट्रैफिक को कंट्रोल कर सके और उसको जो है बेहतर रहनुमाई कर सके। दोनों जानिब से ट्रैफिक आ रहा है और जिसमें एम्बुलेंस भी फंस रही है, आप देख सकते हैं। और बदतरीन ट्रैफिक है आपके सामने।